आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ, बहुत कुछ इन द सेंस यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताऊंगा क्या, आपको बताऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपको बताऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एंड, सबसे पहले एंड ऑपरेटर होता है, फिर उसके बाद आता है आपका और ऑपरेटर, फिर उसके बाद आता है आपका नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर, ये तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पर ये तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर तो होते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर एंड और नॉट, ये जो तीन ऑपरेटर होते हैं, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे बीईसी के क्लास क्या होता है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हुए होंगे। ठीक है, यदि आप सीएससी से हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हुए होंगे, यदि आप ईसीए से हैं तो आपके होते रहते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंड, एंड गेट, लॉजिक गेट हम लोगों ने पढ़ा है। एंड गेट को कैसे दिखाया जाता है, इसका सिंबल याद कीजिए थोड़ा। मैं अब आपको बीसी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं बस आपको रिलेट कर रहा हूँ। रिलेट, हमारा दिमाग किसी बात को रिलेट कर लेता है ना तो बहुत आसानी से समझता है। ये एंड गेट का सिंबल। और गेट का क्या सिंबल होता है, और गेट का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, और गेट का सिंबल ऐसा होता है, आपने पढ़ा है, बहुत बखूबी पढ़ा है। नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है, सिंपली इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट आता है। ये तीन तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। एंड गेट में क्या आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने ए दिया, यहाँ आपने बी दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा सी, और सी कैसा रहेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए डॉट बी। और इसमें क्या आता है, इसमें आएगा आपका ए, इसमें आएगा बी, तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा सी, और सी कैसा रहेगा, दोनों का क्या रहेगा, सम। और इसमें मान लीजिए इनपुट में आप ए दे रहे हैं तो आउटपुट में आएगा ए बार या ए डैश, आया समझ में, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं। चलिए अब इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, जो है इसका ट्रूथ टेबल में, यदि आपको ट्रूथ टेबल समझ में आ जाएगा तब फिर आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर, ए सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। ट्रूथ टेबल सबसे पहले एंड गेट का बनाते हैं। आपको मालूम है दो इनपुट लेंगे तो दो का पावर दो हो जाता है, यानी चार सेट हम लोग को बनाना होगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ ए, फिर लिख देता हूँ बी, फिर लिख देता हूँ इनपुट में सी, ये लाइन में ड्रॉ कर दिया। यहाँ सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या, 0 0 1 1, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 1 0 1। तो इसका मैं एंड का ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, एंड ऑपरेटर। देखिए इसका सिंबल ऐसा रहता है। और का सिंबल कैसा रहता है, और का सिंबल मैं आपको बताऊंगा, पहले एंड का सिंबल ये ध्यान से समझ लीजिए, ये एंड का सिंबल है। तो 0 0 कितना होगा, 0, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 1 0 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 0 0 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 1 1। इसका मतलब क्या है, जब दो लो है तो आउटपुट में क्या है, लो है, लो मतलब 0, जब दो लो तो लो, और जब दो हाई है तो आउटपुट में क्या आ रहा है, हाई, यानी दो लो तो लो और दो हाई तो हाई, ये जी आया आपको समझ में। या फिर एक भी, या फिर आइदर हाई, कोई भी हाई है, ठीक है, आइदर हाई नहीं, आइदर लो, ठीक है, तो लो, कोई भी लो है तब लो आ रहा है, ये चीज आपको समझ में आया, दो लो तो दो हाई, आइदर लो तो लो, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। यानी जब दोनों ही फॉल्स रहेगा तब फॉल्स आता है, जब दोनों ही फॉल्स रहेगा तब फॉल्स आता है, या जब दोनों ही ट्रू रहेगा तब ट्रू आता है, ये आपको समझना है। ठीक है, इस कोई भी एक फॉल्स आ जाता है तो आउटपुट में फॉल्स ही आएगा, ये आपको समझना है। ठीक है, इतना दूर तक आपको आया समझ में। चलिए
अब ट्रूथ टेबल को समझ लेने के बाद अब मैं आपको नॉट ए और टेबल आपको बताना चाहता हूँ, और टेबल क्या होता है, ठीक है, और आप किस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले और गेट का जो सिंबल रहता है ना, वो दो ठो खड़ी पाई, ये दो ठो खड़ी पाई ऐसा रहता है। नॉट का सिंबल मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, यही होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ ए बी और सी का टेबल। तो पहले 0 0 1 1, फिर यहाँ पर मैं बना देता हूँ 0 1 0 1। तो इसमें क्या होता है एडिशन, 0 0 कोई भी कहेगा 0 0 1 1, कोई भी कहेगा 1 0 1, कोई भी कहेगा 1 1 1, कोई भी कहेगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी ट्रू होता है, कोई भी ट्रू तो ट्रू, कोई भी ट्रू तो ट्रू, कोई भी ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तब तो ट्रू है ही, यानी कोई भी यदि ट्रू हो जाता है तो भाई हम ट्रू दे देंगे। और गेट ये कहता है बस एक ट्रू मिल जाए तो आउटपुट में मैं ट्रू रखा हुआ हूँ। नॉट गेट का क्या होता है, नॉट गेट का बड़ा सिंपल है, ए ए बार, ठीक है, यानी 0 1, 0 का 1 1 का 0, यही होता है नॉट गेट, इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को, इसलिए इसको इन्वर्टर लॉजिक गेट भी कहा जाता है नॉट गेट को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए, एंड गेट का सिंबल डबल एम्परसेंट, और का डबल खड़ी पाई, नॉट का एक एक्सक्लेमेशन विस्मयादी बोधक साइन, ये आपको आया समझ में। अब ध्यान समझिए एंड गेट का क्या फंडा है, एंड गेट का बड़ा सिंपल सा फंडा है, यदि दोनों लो तो लो, यानी दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, कोई भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है, कोई भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू होना जरूरी है तो ही हम भाई ट्रू देंगे, ऐसा समझिए, नहीं तो बाकी किसी भी केस में फॉल्स देंगे और क्या। जबकि नॉट ए, ये और गेट का क्या फंडा है, और गेट का फंडा है कि कोई भी ट्रू तो ट्रू, कोई भी ट्रू तो ट्रू, आया समझ में, कोई भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है, और नॉट गेट तो भाई सिंपल इन्वर्ट कर देता है। तो चलिए ये समझ लेने के बाद अब हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब सीधा हम लोग प्रोग्रामिंग पर जाते हैं, ठीक है, अब सीधा हम लोग प्रोग्रामिंग पर जाते हैं, तो जल्दी से चलिए प्रोग्रामिंग पर। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा यहाँ पर मैं ये सबको हटा देता हूँ, पहले सबको हटा देता हूँ, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट दूंगा, दो स्टेटमेंट, और उससे डिसाइड करूँगा एंड ऑपरेटर लगा करके, ठीक है। तो पहले मैं 15 = 6 ले लिया, पहला हो गया। अब मैं एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 15 = 15, ठीक है, 15 = 15 मैं दे दिया, यहाँ दो स्टेटमेंट चुन लिया गया है, पहला 15 = 15 ये ट्रू है, 15 = 6 ये फॉल्स है, और एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो भाई फॉल्स, इतना ही कहता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताइए, फॉल्स आएगा, जाहिर बात है, चलिए यानी 0 आना चाहिए आउटपुट में, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, देखिए 0 आ गया, यानी एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स। अब मैं यहीं पर लगा देता हूँ खड़ी पाई, ये खड़ी पाई गया, ठीक है, दो यहाँ पर खड़ी पाई गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर कहता है कि दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ए हम क्या कहते हैं, दोनों कोई भी ट्रू तो ट्रू, और ऑपरेटर यही कहता है कोई भी ट्रू तो ट्रू। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक ट्रू है तो ट्रू आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए आंसर, आंसर 1 आना चाहिए, आइए देखते हैं, आंसर आ गया 1, आया समझ में, समय में आया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ भी मैं उस ब्रैकेट को शुरू कर देता हूँ, और आगे में मैं लगा देता हूँ इन्वर्जन, यानी नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ जान रहे, इसका मतलब जो भी आउटपुट आएगा 1 उसको 0 कर देगा। चलिए देखिए, जो भी आउटपुट आएगा 1 को 0 कर देगा, देखिए कर दिया 0, ठीक है, समय में आया। आप ऐसा एक के साथ भी कर सकते हैं, एंड गेट के साथ भी कर सकते हैं, यानी किसी भी इनपुट को आपको इनवाइट करना है तो आप
बेसिकली नॉट गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरू से आपको बेसिक मजबूत करके ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताया। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप 10 क्लास का भी सही से पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से नहीं, नहीं किसी भी बोर्ड में, ना ICSE ना CBSE ना स्टेट बोर्ड में, स्टेट बोर्ड का तो मुझे नहीं पता बाकी स्टेट में क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 10 क्लास तक में ये सब आपको नहीं बताया जाता होगा लॉजिक गेट्स के बारे में। 11, 12 में आपको बताता होगा, बताया गया होगा। लॉजिक गेट्स 12 में है, मुझे याद है। 12 में आपने यदि पढ़ा होगा तो आप बड़े आसानी से लॉजिकल ऑपरेटर को समझ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मैं सिंगल एम्परसेंट लगाता हूँ दो के बीच में, सिंगल एम्परसेंट, तब फिर ये बिट वाइज ऑपरेशन का काम करता है। ये गलत नहीं है, देखिए कहीं एरर नहीं है, ये बिट वाइज ऑपरेशन का काम करता है। चलिए इसका आउटपुट ले लेता हूँ मैं, 1 आ रहा है, ठीक है 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है, ये आप होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप सोचिए इसके बारे में क्यों सिंगल एम्परसेंट में ये काम कर गया। उसका रीज़न तो मैंने बता दिया, ये बिट वाइज ऑपरेटर है। और दूसरा रीज़न मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि 1 क्यों आया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जाहिर बात इसको हटा दूंगा तो 0 आएगा, इसको हटा दूंगा तो 0 आएगा, जाहिर बात है। तो 0 आ गया, देख सकते हैं 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ये एम्परसेंट एंड के जैसे ही काम कर रहा है, लॉजिकल एंड के जैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये होमवर्क से आप अच्छा से और इसको डिफाइन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, उम्मीद है मैंने आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ऐसा है तो आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।